तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का 9 मार्च का पेश होगा बजट, और 9 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 7 मार्च से हो रही है बजट सत्र की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट की शुरुआत की जाएगी, और सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी अभिभाषण के बाद से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो बजट सत्र को लेकर के, मिशन 2023 को लेकर के, पहले से ही बजट को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो चुकी है, और अब चर्चाओं के आधार पर बजट को तैयार किया जा चुका है। प्रदेश बीजेपी की बैठक भी खत्म हो चुकी है, तो बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बैठक में बीजेपी प्रदेश सरकार के नेता मौजूद रहे हैं, तो बजट को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यह खबर आपको मिशन 2023 को लेकर के बता दें कि बीजेपी ने मंथन किया है 2023 को लेकर के। बीजेपी का जो मंथन था वो खत्म हो चुका है, बैठक हुई थी और बैठक खत्म होने के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा दें। देखिए रायपुर से खबर है जहां पर प्रदेश बीजेपी की बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। फोनलाइन पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो बीजेपी की मंथन हुई और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि 2023 के मिशन पर चर्चा की गई है, इस बैठक को हम किस तरीके से देख सकते हैं, आगे आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति क्या कुछ रहेगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुरभि, बीजेपी की जो आज बैठक हुई है, इस बैठक को यही कहा जा सकता है कि बीजेपी एक्टिव मोड पे आ गई है मिशन 2023 को लेकर। जाहिर तौर पे अभी समय इतना नहीं बाकी है कि बीजेपी जो है इस मामले में जो है बहुत जल्दी ही कोशिश कर रही है कि जिस तरह से उनकी सत्ता गई है पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वो अपनी खोई हुई चाह जो है उसको बरकरार रखने की कवायद में जुट गई है। यही वजह है कि आज पहले पुरंदेश्वरी जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने पहली बैठक जो है वो सांसदों की थी, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक उन्होंने की है, और इसमें कई उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से मोदी सरकार की जो तारीफ जो है, मोदी सरकार का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना है, और भूपेश बघेल की जितनी नाकामियां हैं उन खामियों को लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो ये पूरा जो कवायद उसी को लेकर है कि जो मिशन मोड पे बीजेपी आ चुकी है, और आने वाले समय में इसका असर भी भाजपा संगठन के अंदर देखना होगा। जी, लेकिन अगर बात की जाए, देखिए अभी जैसे आपने कहा कि रणनीति तो तैयार की जा चुकी है, लेकिन रणनीति पर अगर फोकस किया जाए, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल का जब नाम आता है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में हर कोई जानता है ओम प्रकाश जी की सीएम भूपेश बघेल का नाम पहले से ही बोलता है, यानी उनका सिक्का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चलता है पूरे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में बीजेपी जो रणनीति बना रही है, तो क्या जो एक पहले से एक इमेज क्रिएट की जा चुकी है कांग्रेस की सीएम भूपेश बघेल को लेकर के आम जनता के बीच में, क्या उस इमेज को धूमिल कर पाएगी बीजेपी इस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति जो उनकी तरफ से तैयार की गई है? जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से मैं यहाँ की सियासत को जानता हूँ, तो जाहिर तौर पे भूपेश बघेल का कद काफी बड़ा है, खास तौर पे एक विशेष वर्ग जिसकी बहुतायत संख्या छत्तीसगढ़ के अंदर, वो वर्ग है किसान। तो जाहिर तौर पे इसकी काट जो है बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा अगर उन्हें वापस सत्ता में आना है। तो जिस तरह से कार्य भूपेश बघेल ने किसानों के लिए किया है, लगातार वो अलग अलग फैसले लेकर किसानों के हित में उन्होंने बेहतर निर्णय लिया है और उसका बेहतर क्रियान्वयन भी किया है। तो जाहिर तौर पे भाजपा जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है किसानों को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाना है, किस तरह से इसका तोड़ लाया जाना है, ये तमाम मसलों को लेकर एक मसौदा तैयार किया जा रहा है भाजपा की ओर से कि वो किस तरह से भूपेश बघेल की इस छवि को नुकसान पहुंचाए और सत्ता में वापस आ सके। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये वाकई देखने वाली बात है कि सबसे पहले तो बीजेपी को एक चेहरा तलाश करने की जरूरत है जो कि सीएम भूपेश बघेल के चेहरे को टक्कर दे सके, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने जो काम अभी तक किए हैं आम जनता के लिए वो उनके बीच में भी बहुत ज्यादा प्रशंसा उन्हें मिल रही है इसको लेकर के। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस बीच।